हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने किया रक्तदान। सीमा सुरक्षा बल की 115 वाहिनी की ओर से रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान सीमा सुरक्षा बल के 100 जवानों ने रक्तदान किया। सीमा सुरक्षा बल 115 वाहिनी के कमांडेंट पीके शर्मा ने शनिवार को मिले 10 बजे रक्तदान शिविर का फीता काटकर उद्घाटन किया। सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने रक्तदान करने के साथ आगामी समय में भी रक्तदान की जरूरत पड़ने पर रक्तदान के लिए तत्पर रहने का भरोसा दिलाया। इस दौरान सीमा सुरक्षा बल के कमांडेंट पीके शर्मा ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल सरहद की हिफाजत के साथ आम जन की हर संभव मदद के लिए तत्पर रहता है। इस तरह के रक्तदान शिविर आयोजित करके जवानों की भागीदारी के साथ आम जन को रक्तदान के लिए प्रेरित करने का प्रयास किया जाता है। उन्होंने बताया कि सीमा सुरक्षा बल की ओर से सिविक एक्शन कार्यक्रम के तहत विभिन्न प्रकार की गतिविधियां संचालित की जाती हैं। सरहदी इलाकों के विद्यालयों को गोद लेकर विद्यार्थियों को पढ़ाने के साथ खेल कूद सामग्री वितरण और चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया जाता है। इस दौरान कमांडेंट पीके राय, द्वितीय कमान अधिकारी वीरेंद्र कुमार, डॉक्टर मोतीलाल खत्री, अर्जुनेंट हिमांद्रा समेत सीमा सुरक्षा बल के विभिन्न अधिकारी उपस्थित थे। ड्यूटी करते हैं वो रक्तदान के इस शिविर में उन्होंने भाग लिया। सीमा सुरक्षा बल देश की सीमाओं की रक्षा के साथ साथ देश की जनता और इंसानियत को मद्देनजर रखते हुए ये नोबल कॉज में भी अपना पूरा सहयोग और योगदान देती है। उसी के तहत आज हमने यहाँ पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। इस रक्तदान के अलावा सीमा सुरक्षा बल जो है बॉर्डर इलाके में जो पॉपुलेशन रहने वाले लोग हैं उनके उत्थान और जीवन शैली को उच्च स्तर का करने के लिए विभिन्न प्रकार के सिविक एक्शन प्रोग्राम्स भी चलाती है, जिसमें हमने हर कंपनी हेडक्वार्टर के तहत एक एक स्कूल को गोद ले रखा है, जिसमें उनको बच्चों को पढ़ाने का और चीज़ें मुहैया कराने का एक मुद्दा हमने उठाया है। और बॉर्डर एक्शन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत भी हम कई तरह के जो डेवलपमेंटल वर्क्स होते हैं बॉर्डर इलाके में उनको भी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू उनको करवाते हैं इलाके में, ताकि बॉर्डर इलाके की जो उन्नति है और प्रगति उसमें भी सिविल जनता भी उतनी ही भागीदार बने जितना जिले और प्रदेश के बाकी स्तरों का और जगहों का विकास होता है, उसी तरह का विकास बॉर्डर इलाके का भी हो सके। बाड़मेर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।